वेरी वेरी हैप्पी मंडेक्रा उदे आपने बात करती हूं तो कराची में होती रही सैटरडे और संडे को वक्फे वक्फे से बूंदा बांदी ड्रिजलिंग होती रही बहुत अच्छा मौसम था तो, और हमारे जो कराची में चल रही हैं वो शदीद चल रही हैं आप अपने घर में बैठे हुए हों या रोड पर हों तो ऐसा महसूस होता है कि जब जैसे आप सी व्यू साहिल समंदर पर आ गए हैं और जो हवाएं हैं वो बिल्कुल उड़ा के लेके जा रही हैं तो जनाब कराची में इस वक्त मौसम हो रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ ही साथ आज भी पेशन गोई है कि बारिश हो सकती है लेकिन आज जो है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी जो है कम कम बूंदाबांदी हो गई तेज वाली बारिश जो है वो नहीं हो रही लाहौर की अगर मैं बात करती हूँ तो इकतीस डिग्री सेंटीग्रेड वहां का जो है टेम्परेचर हो रहा है साथ ही साथ गरज चमक के साथ लाहौर में है बारिश के खाना तो लाहौर वाले जो हैं जल्दी जल्दी बेसन मंगवा लें और अपने घर में आज शाम को पकौड़ों का इंतजाम कर लें इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त हो रहा है सबसे कम टेम्परेचर यानी कि थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड साथ ही साथ वहाँ पर भी बारिश के इम्कान हैं तो इस्लामाबाद वाले और लाहौर वाले जो है वो पकौड़ों का बंदोबस्त कर लें कराची वाले तो जो है हम वीकेंड से पकौड़े खा ही रहे तो हमारे घर पर तो बेसन जो है वो स्टॉक हुआ हुआ है तो जनाब ये तो बात हो गई मौसम की अब बात करते हैं ज़रा वीकेंड पर कुछ खबरें ऐसी हैं गुजरी हैं जो बड़ी सनसनी खेज थी सबसे पहले तो मैं एक बात ये करूँगी कि सैटरडे को हुई थी बिज़नेस कम्यूनिटी की तरफ से स्ट्राइक तो पूरे पाकिस्तान में क्या उसका रिस्पॉन्स था ये तो मुझे नहीं पता लेकिन कराची में जो बिज़नेस कम्युनिटी ने स्ट्राइक की थी वो रही सक्सेसफुल कराची का सबसे बड़ा एक जो शॉपिंग स्पॉट जैसे तारिक रोड कहा जाता है वो जो है वो पूरा बंद था सैटरडे को यूजुअली वो बंद नहीं होता है लेकिन इस दफ़ा बड़ी जो है एका करके बिज़नेस कम्युनिटी ने जो है वो स्ट्राइक की और हमने देख के भाई बड़ी स्ट्रांग स्ट्राइक थी कोई भी शॉप जो है टाइट पर नहीं खुली हुई थी साथ ही साथ मैच की बात मैं कैसे भूल सकती हूं कमजोर दिल के लोग थे वो तो बहुत दूर टीवी से बैठे हुए थे जो है आपके रन रेट था वो बिल्कुल एग्जैक्टली टू फोर्टी सेम था उसके बाद बात आई आपकी सुपर ओवर पे सुपर ओवर पे जब बात आई तो दोबारा से जनाब हमने देखा कि पंद्रह पे पंद्रह मतलब भाई ये तो कभी भी वन वर्ल्ड कप में हमने विटनेस किया ही नहीं है अभी तक तो जब ये सुपर ओवर पे बात आई तो फिर जब फैसला किया तो वो बाउंड्रीज के ऊपर फिर फैसला हुआ और फाइनली इंग्लैंड जो है वो अपने होमलैंड में क्रिकेट जीत गया लेकिन ये मैच जो था वाकई वर्ल्ड कप का एक बहुत ही यादगार ये पूरा वर्ल्ड कप का मैच भी बहुत यादगार था और ये पूरा वर्ल्ड कप भी बड़ा जो है वो यादगार था क्योंकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड और ऐसी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चीज़ें हो रही थी ना जो आप शायद सोच भी नहीं सकते क्योंकि इंडिया नंबर वन पे था और फिर अचानक से उसका नॉकआउट हो जाना भी थोड़ा सरप्राइजिंग था साथ ही साथ एक और खबर मैंने जो पढ़ी वो ये मुझे थोड़ी सी आ, मुझे लगा कि पता नहीं ठीक कर रही है हुकूमत नहीं कर रही है लेकिन खैर मुझसे ज्यादा बेहतर हुकूमत जानती होगी कि वो क्या कर रही है करतारपुर बॉर्डर आ, आपको पता होगा जहाँ से सिख कम्यूनिटी जो है पिलग्रमेज के लिए आती है यानी कि जो उनका जिस तरह से हमारा हज होता है उनकी भी इस तरीके की कुछ ज्यारत वगैरह का सिस्टम होता है तो वो गुरुद्वारे जब आते हैं तो करतारपुर बॉर्डर के थ्रू आते हैं आपने न्यूज़ में भी सुना होगा मैंने भी आपको बताया था कि भाई एक जो है वाली जो सिचुएशन कॉन्फ्रेंस चल रही थी डायलॉग सेशन चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया का तो पहला दिन उनका लाहौर में हुआ था दूसरा दिन उनका इस्लामाबाद में हुआ था तो उस जो है कॉन्फ्रेंस में ये बात तय पाई कि जनाब एटी परसेंट यह जो एग्रीमेंट है वो बन चुका है के इंडिया वाले सिख जो पिलग्रमि होंगे जो कि एक किस्म का जैसे हमारा हज होता है उनकी भी वैसी वो जीारत वगैरह कुछ होती है तो जब वो करने के लिए आएंगे तो उन्हें वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा पाकिस्तान में वो सिर्फ अपना इंडियन पासपोर्ट लेकर आएंगे और उन्हें कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा अब ये बात कितनी पॉजिटिव है कितनी इस मुल्क के मफाद में है ये तो हमें जो है आगे चल ही पता चलेगी लेकिन एक और अमेजिंग बात यानी कि मूवीज़ जो पाकिस्तान में है अब दोबारा से पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो रिवाइव हो रहा है नई नई तब्दीलियां हम देख रहे हैं ऐसी मूवीज आ रही हैं जो हम लोग बड़े शौक से जाकर सिनेमाज में देखते हैं कॉमेडी भी आ रही है हॉरर फिल्म अभी कर्ताक्षा आई थी जी जी फिल्म्स की वो भी बड़ी जबरदस्त थी और बहुत सारी ऐसी रेवोल्यूशनरी फिल्म आ रही हैं जो बिल्कुल पाकिस्तानी सिनेमा को एक नया टर्न आउट दे रही है यहां पे मैं बात कर रही हूँ तेवर मूवी की तो तेवर मूवी के लिए मैं भी बड़ी क्यूरियस हूं कि इस मूवी में ऐसा है क्या तो आइए चलकर देखते हैं इसका ट्रेलर हैदराबाद का राहत काजमी नहीं पे आशिक हुआ जाए तो तुम भी कोई औरंगी टाउन की मरीना खान नहीं हो जिसके लिए मरा जाए मैं आशिकों के उस कबील से हूँ जो कुर्ते शलवार के नीचे जॉगर्स पहनकर महबूबा को स्कूल से आते हुए देखने जाया करते थे गुमान ना हो उसका होना ही जिंदगी एक तेरी जबान ही नहीं चलती है बाकी तेरा बदन तो खूब बोलता है

लेते अब्बा कहते हैं खानदानी आदमी का महबूब वली और खुदा एक ही होता है जबरदस्त भाई क्या मूवी है एक्शन भी है और बड़ी जो है फनी सीन्स भी हैं और थोड़ा जो है ना एक वो अंडरवर्ल्ड वाली फीलिंग भी आ रही है मैं तो बड़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ मज़ीद इसकी स्टोरी जो है वो इसके अंदर क्या है क्या स्टोरी है क्योंकि बड़े इंप्रेसिव हैं और जब हमने बात की सुकैना जो है सुकैना के रोल्स हम जब देखते हैं बड़े वर्सेटाइल होते हैं कभी बहुत पॉजिटिव नज़र आती हैं स्क्रीन पर कभी बड़ी नेगेटिव नज़र आती हैं तो अभी फिलहाल जो ड्रामाज में काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल्स कर रही हैं तो जनाब इस मूवी में कौन सा रोल करें ये भी ज़रूर हम इनसे पूछेंगे इस वक्त आज हमारा बड़ा स्पेशल दिन है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं तेवर के जो हीरो हैं

फ़ाइटिंग वाले भी आपने रोल्स किए हैं क्या स्टोरी लाइन है गुड uh, बॉय वाले रोल बहुत हो गए थे तो मैं चेंज करना चाह रहा था इस फिल्म के लिए ख़ासतौर से मैंने कुछ सिक्स मंथ्स का गैप लिया था अपनी really? मुझे बढ़ाई थी थोड़ा सा एक्शन वगैरह सीखा था क्योंकि इसमें एक्शन बहुत ज्यादा है hmm. तो आ, ये चीजें सब काम कर जाएं आई होप लोग देखने के लिए जाएं सिनेमा में इसको बिल्कुल जरूर जाएंगे इसका ट्रेलर इतना मजेदार है जबरदस्त है और ये जी फिल्म की फिल्म है यानी कि जी टी के भी इसमें जो है तवसुत शामिल है तो जरूर आप भी जाकर देखिएगा और मैं तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मुझे जरा टिकट कहीं से फ्री मिल जाए अगर नहीं मिलता है तो मैं खरीदूंगी जरूर लेकिन मैं देखूंगी जरूर ये बताइएगा कि स्टोरी लाइन थोड़ी किसी क्या है एक्शन फिल्म है क्या है जैसे कि आपने देखा ही है कि बड़े बड़े कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई है तो 1980 का एरा दिखाया okay. 80s का दौर है थोड़े शहर के हालात खराब है okay. आ, कुछ लोग एक घर के अंदर घुस गए अब किस तरह से वो घर वाले उन लोगों से काउंटर करते हैं ये सारी इसकी सस्पेंस थ्रिलर है ये ओके okay. और लव स्टोरी वाला कोई टच है इसके अंदर हाँ, क्योंकि वो एक स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए एक लड़का है जो कजन आया हुआ है घर में तो वो रिश्ते के लिए आया हुआ है अच्छा हाँ तो वो उसको पता नहीं है कि पीछे से फिर ये सारी सिचुएशन हो जाएगी तो फिर वो सब सब कुछ हैंडल करता है घर वालों के साथ जबरदस्त सुकैना के साथ कैसे आपका सुकैना एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है और बहुत मेहनत से मतलब एक ड्रामा से बिल्कुल हट के हम लोगों ने काम किया है दिन में एक सीन होता था लेकिन वो सीन करवा के इतने थक जाते थे इतनी एनर्जी देते थे हम लोग उसके अंदर कि वो फिल्म पे फिल्म लगे एक दिन में एक सीन तो कितना टाइम लगा होगा शूटिंग में शूटिंग में थर्टी डेज में हो गई थी हाँ। जबरदस्त भाई ये तो बड़ा मतलब आप लोगों ने वन गो में सारे शॉर्ट दिए तो रिटेक्स नहीं लिए मुझे लग रहा है नहीं नहीं का रिटेक्स हुए हैं काफी हुए हैं और पूरी पूरी जो एक एक लाइन है उसको पूरा इम्फेसाइज करके उस पर पूरे पूरा वर्कआउट करके फिर वो एक एक लाइन दी जाती थी फिल्म का जरा सा ड्रामे से बहुत हटके है तो कैसा करना पड़ता है कि भाई एक कैरेक्टर में गुड बॉय से निकल के एक बैड बॉय के कैरेक्टर में जाना है फाइटिंग वाली जो एक स्पिरिट है, है अपने अंदर लेकर आनी है तो उसके लिए कोई स्पेशल भाई हम तो आप लोगों को स्क्रीन पर ही देखते हैं हमारा काम तो लाइव बोलना होता है हम जैसा महसूस करते हैं वैसा बोल रहे होते हैं आप लोगों का बड़ा टफ है कि भाई आपको अपने एक्सप्रेशन नहीं डालने हैं कैरेक्टर को लेकर आना है तो किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते हैं कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को कहीं दूर छोड़ के एक नया कैरेक्टर अपने अंदर डालूँ अच्छा इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सबसे पहले तो ब्रेक ले लें जो आप काम कर okay. रहे हैं उससे ब्रेक ले लें और फिर अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करना शुरू करें hmm. अब वो होता कैसे है कि आप आ, इसकी वर्कशॉप्स होती हैं hmm. वो उसके अंदर ज़्यादा ब्रेन होती है और जितना ज़्यादा आप फिर टी से दूर रहेंगे तो फिर उतना ज्यादा आप इसके ऊपर काम कर ओके okay, वाओ ये तो हमें पता ही नहीं था भाई हम तो सिर्फ फिल्म्स देखते हैं और पता नहीं क्या, -क्या से गुजर के फिर वो एक एक्शन डायरेक्टर जो थे, अच्छा इस फिल्म आपने पाकिस्तानी मूवीज में बहुत ज्यादा एक्शन देखा होगा लेकिन इसमें बहुत ही नेचुरल किस्म का एक्शन है ज्यादा केबल के साथ उड़ना उड़ना नहीं है और तो उसमें चोटें ज्यादा लगती हैं जो हम लोगों ने किया है उसमें बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं मेरी हड्डी जरा सी जो है ना वो टेढ़ी हो गई थी वो एक पंच गलती से क्योंकि जब आप हाथ घूम रहे हैं तो आप ज्यादा उसको वो मैनेज नहीं कर सकते कि आप न, ना, लगे बिल्कुल भी तो काफी मेहनत की है इसमें नहीं इंशाल्लाह जबरदस्त मूवी होगी क्योंकि हमें नजर आ रहा है ट्रेलर में कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है ये बताएगा कोई ऐसा सीन जो बहुत मुश्किल था और बड़ी कोशिश के बाद भी हो नहीं पा रहा था कौन सा सीन था एक्शन सीन्स एक्शन सीन्स सीन्स एक्शन और वो सिर्फ एक रात के अंदर सिर्फ हम एक एक्शन सीन प्लान करते थे जनरल लाइट किया करते थे ओके okay. उसको करना बिल्कुल भी आ, आसान नहीं है जितना मैंने काम किया हुआ है ड्रामे में आप ड्राइंग रूम सीन्स होते हैं ज़्यादातर hmm. आप आ, सोफे पे बैठ के आप डायलॉग exactly. दे रहे होते हैं लेकिन जब आप एक्शन कर रहे होते हैं तो फिर आपका बॉडी का एक एक पार्ट उसके अंदर जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है hmm. और फिर आपकी असल जो है ना आपका टेस्ट होता है वो और ये भी कोशिश करनी होती होगी कि लगना जाए सामने वाले बंदे को लेकिन लगती है तो वो हल्की फुल्की चोटें लगती है अच्छा लड़कों ने तो एक्शन किया, किया। सुकैना ने बहुत कमाल का एक्शन really? किया उसमें आप देख भी कुछ तो बहुत मैं अब ज्यादा स्टोरी के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा लेकिन उसने जिस तरह से फाइट की है लड़कों के साथ तो वो कमाल है जबरदस्त जबरदस्त फैसला मुझे लगता है सुकेना के अंदर बड़ी ज्यादा कैपेबिलिटी है जिस तरीके से वो वर्सिटैलिटी दिखाती है ना मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा एक्शन भी कर सकती है हमें हाँ ऐसा नहीं लगता था लेकिन जिस तरह से उसने किया <laughs> <laughs> कमाल कर दिया हम्म hmm, ये बताइएगा कि भाई कैसी जब फिल्म की शूटिंग हो रही होती है तो क्या माहौल होता है सेट पे बड़ा फनी माहौल होता है, या बड़ा सब सीरियस हुए है के के काम करना है या एक जोक्स तो जोक खैर चलते रहते हैं लेकिन इसके अंदर ज्यादा होता है टाइम uh, होता है उसके hmm. बाद

में में गया था। आप लोग मतलब क्या-क्या करते हैं हम तो बस जाते हैं फिल्म देखते हैं वापस आ जाते हैं मतलब तक ने अपनी बैकबोन भी जो है ना उसको भी डिसलोकेट डिसलोकेट तो नहीं हो गईट नहीं हुई थी भाई उसमें भी इंजरी हो गई थी नोज पे भी इनके लग गई थी क्या बात है जबरदस्त कौन कौन सी जगहों पे शूट्स किए इसकी सारी शूटिंग जो है वो कराची में हुई है क्योंकि कराची के कौन -कौन से में अच्छा ये आ, वैसे तो आ, लियारी की तरफ और रनछोल लाइन अच्छा. इन एरियाज में हुई है लेकिन आ, जो इसका सेवेंटी परसेंट काम है वो एक घर के अंदर है क्योंकि एक घर के अंदर कुछ लोग आ जाते हैं hmm. वो पूरी तरह से वो फिर घर के अंदर घर के हर कोने में वो इस तरह से उनको टैकल किया जा रहा होता है रश लग जाता था जब शूटिंग होती थी नहीं क्योंकि हम घर के अंदर थे तो वो का, गर, नहीं, जैसे हाँ। लियारी में और उन जगह आप कहीं भी कैमरा लेके खड़े हो जाए रोज लग जाए लग जाता <laughs> है ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है बिल्कुल ऐसी है। तो ये बताइएगा कि कितना मुश्किल था ऐसी जगह पे जैसे लियारी से नॉर्मली हम लोग बहुत ज्यादा डरते हैं इन सारी जगहों पे जाने से कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अच्छा वहाँ पे फिर आपको पुलिस की सपोर्ट लेनी पड़ जाती है okay. तो वो फिर वही फिर उन्हीं लोगों का काम है की वो फिर लोगों को जरा सा क्योंकि लोगों को नहीं पता की कैमरे में नहीं देखना है आप बहुत सारे आपके अच्छे शॉर्ट आपके जया हो जाते हैं क्योंकि कोई बंदा पीछे खड़ा कैमरे में देख रहा होता है और पाकिस्तान में तो पता है क्या होता है लोग हाथ देते हैं <laughs> मतलब एक बंदे ने इतना सीन दिया और आपने बाद में जब उसको देखा तो एक बंदा पीछे से ऐसे ऐसे कर रहा था आपका सीन जाया हो गया। अच्छा इसमें कसूर लोगों का नहीं है कसूर हमारे क्योंकि वर अपने स्टूडियोज होते हैं उनकी अपनी जगह होती है वहाँ पे सेट लगाते हैं

जो आप समझते हैं कि मैं ज्यादा बेहतर इसको बोल सकता हूँ तो जब आप फिल्म की बात हम लोग करते हैं तो क्या फिल्म में भी इम्प्रोवाइज कर लेते हैं आप लोग क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर थे वो राइटर भी थे अच्छा तो अबू अलह okay. तो उन्होंने ऐसा करने ही नहीं दिया और हमें ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी वो hmm. बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं बहुत अच्छे राइटर हैं तो स्क्रिप्ट असल चीज़ ये एक लो बजट मूवी है लेकिन असल चीज़ इसका जो कंटेंट है ना वो उसकी जिसकी जो लाइंस हैं इसका जो एक स्क्रिप्ट में एक जो कनेक्शन है वो आपको मेरे शायद और कहीं ना मिले जबरदस्त भाई ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी जो फिल्म है एक्शन मूवीज हम बहुत सारी देखते हैं कि भाई बड़ा पैसा लगाया हुआ है लेकिन उसमें स्टोरी की कोई तुक समझ नहीं आती तो फिर वो सारा मजा ही किरकिरा exactly, हो जाता है exactly, आपको खुद पर्सनली कैसी मूवीज पसंद है मुझे एक्शन मूवीज़ ही पसंद है एक्शन मूवीज ही पसंद है अच्छा बचपन में कभी सोचा था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा हीरो बनूंगा बचपन में तो सब सोचते हैं मैं मैं हीरोइन बनूंगी हीरो बनूंगा तो आपने कभी सोचा था वैसे तो मैं सोल्जर बनना चाहता था लेकिन अगर मैं याद करूं तो कुछ इस तरह की चीजें थी कि मैं पूरा का पूरा ड्रामा खुद ही गन लेके खुद ही कुछ ना कुछ मैं कर रहा होता था मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगा लेकिन कुछ अगर मैं सोचू तो था कनेक्शन तो था शायद बैक ऑफ द माइंड कुछ इस तरह का चल रहा था

जो उन्होंने नापा की तरफ रुख किया उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ आपको थोड़ा सा वक्त गुजारने को मिल जाता है जो आपको सिखा रहे होते हैं लोग सिखाना चाहते नहीं है और सिखाने का टाइम भी नहीं है किसी के पास लेकिन अगर कोई इतने बड़े राहत का आदमी हो गए जयामद्दीन साहब हो गए तलत हुसैन हो गए ये लोग आपको जब सिखा रहे होते हैं तो आप ना सीखना चाहें तो भी कुछ ना कुछ तो सीख ही लेते हैं जबरदस्त भाई ये बताएगा तकी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी करंट एग्जिस्टिंग जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी मूवीज बनती हैं तो कौन सी ऐसी मूवी है जिससे में आपको लगता है कि वो आपकी फेवरेट थी मेरी फेवरेट क्या मैं ये समझता हूँ कि अब तक जो पाकिस्तान में बनी है उसमें उस से सबसे बेस्ट है लाल कबूतर लाल कबूतर ये आ, मुझे डायरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा लेकिन कोई यंग सा बॉय था और बिल्कुल यंग लोगों ने बनाई है और अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो किसी इंडियन मूवी से कंपेयर कर सकते हैं इसका जो कंटेंट था इसकी एक्टिंग थी इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ था ना इसके ऊपर जो मेहनत हुई हुई थी वो नजर आ रही थी सिर्फ ये नहीं है कि आप बस पैसा लगाते जाएं सेट्स के ऊपर और इन जगहों पे पैसा फेंकते जाएं और आपका कंटेंट आपके पास कुछ है नहीं तो फिर लोगों लोग बोर हो जाते हैं कोई फ़ायदा नहीं है हाँ पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट पे मूवी चले पाकिस्तान में लोगों को कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो कॉमेडी फिल्म्स काम कर जाती हैं लेकिन आ... कंटेंट बहुत, बहुत है, है। लोग ज्यादा देर तक कौमेड़ी, 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 तक कॉमेडी 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 कब देखते रहेंगे लोगों को चाहिए कुछ अच्छी चीज देखने बिल्कुल तकिया आप सही कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि काफी सारी कॉमेडी मूवीज थी जिनका सेकंड पार्ट और सीक्वल्स आए लेकिन लोगों ने उतना पसंद नहीं किया जितना उसका फर्स्ट पसंद किया था क्योंकि एक जोक को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो उसमें से हंसी वाला जो फैक्टर है वो खत्म हो जाता है यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी की अपनी मूवी का कोई फेवरेट आपका जो डायलॉग है वो बोलकर दिखाएं इन द कैरेक्टर फुली इन टू द करेक्टर अब्बाजान कहते हैं शरीफ आदमी का महबूब वली और खुदा एक ही होता है जबरदस्त क्या बात है कि आप आए अपना, अपने, आपने अपना वक्त निकाला लेकिन आप हमसे करेंगे कि अब आप जब दोबारा पूरी कास्ट को अपने लेकर आएंगे और हमारे साथ एक शो करेंगे बिल्कुल और इस कास्ट के अंदर जो सुकैना का नाम तो आपने ले लिया इसके अलावा शारिक महमूद ने बहुत जबरदस्त काम किया हुआ इसके अलावा कुछ लियारी बॉयज हैं आ, जो के लियारी के अप का अपना टैलेंट है उनको वो लेके आए हैं बहुत कमाल के ज़बरदस्त किस्म के एक्टर्स शायज उसने भी कमाल किया अकबर सुबहानी साहब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप देखने जाएंगे आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई छोटी मूवी देख रहे हैं ये एक फुली पैक्ड एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगी जबरदस्त जबरदस्त आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक और मैं आप लोगों से भी कहूंगी क्योंकि ट्रेलर भी बड़ा मजेदार है ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हवाई बातें कर रही हूं ट्रेलर आपने खुद देखा बड़ी मजेदार मूवी लग रही है स्टोरी भी लग रहा है कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ है अभी हमने बहुत ज्यादा स्टोरी पे बात नहीं की क्योंकि सस्पेंस लोगों का जो है वो खराब हो जाएगा तो जरूर देखिएगा मैं भी देखूंगी छब्बीस जुलाई को ये मूवी आ रही है तो आपने भी देखनी है मैं भी देखूंगी और और मैं एक शो भी करूंगी उसमें मैं तमाम तेवर की पूरी कास्ट को बुलाऊंगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहकी कि आप आए एंड यू लुकिंग वेरी गुड इन दैट पर्पल आउटफिट आई रियली लव योर ब्लेजर तो यहाँ पर वक्त वक्त छोटे से ब्रेकअप ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ आपको ऐसे टैलेंट से मिलाएंगे जो आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देगा क्योंकि पाकिस्तान में जैसे कि हम बोलते रहते हैं टैलेंट की कोई कमी नहीं है यहाँ पर वक्त वक्त छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा देखते रहिए जियो पाकिस्तान बैक ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब यहाँ पर मैं बात करी थी कि कराची में और पाकिस्तान में पूरे इतना ज़्यादा टैलेंट है कि आप जब भी कहीं जब आप खोजने के लिए जाएं टैलेंट को कहते हैं ना खोजा जाता है एक्सप्लोर किया जाता है तो आप जब भी एक्सप्लोर करने के इरादे से निकलें तो आपको इतना ज़्यादा टैलेंट मिलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि इतना टैलेंट कहाँ एडजस्ट कि किया जाए लेकिन ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पर मैं किस चीज़ की बात करी हूँ मैं बात करी हूँ ऐसे बच्चों की जिन्होंने बनाया है एक एरोप्लेन जी हाँ जनाब बच्चों ने एरोप्लेन बना लिया है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इनसे एक एरोप्लेन बनवा लूँ उससे पहले हम आइए चल देखते हैं ये पैकेज

जी भी भी। <laughs> उसके साथ ही साथ रेनम शेख यहाँ पर हमारे हमारे पास मौजूद है मेरा नाम है रेनम और इनका नाम है रेनम तो भाई कितना को हो गया रेनम कैसी हैं आप ठीक ठाक है भाई किसने रखा आपका ये नाम मेरे पेरेंट्स ने पेरेंट्स ने रखा है जबरदस्त भाई बड़ा मुझसे इंस्पायर होगी तो रखा नहीं नहीं <laughs> <laughs>

जो जो हमें काम लेना था इससे वो हमने लिया तो अब ये कि इस डिजाइन को हम बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है सही तो ये जो अभी बेसिकली आपके सामने जो चीज नजर आ रही है ये है ग्लाइडर हम okay. इसको ग्लाइड करवा सकते हैं सर्वेलेंस के काम आता है आपने देखा होगा कि अमेरिकन ब्रॉन्स हमने देखा है काफी के काफी हाइट पर हैं वो होता ही यही है कि ग्लाइड करते हैं जितना ऊपर से अब आप, आप जो है वो ग्लाइड करवाएंगे होता है कि उस रेडार के अंदर जो है आना मुश्किल होती है चीज़ तो hmm. इसलिए जो है ये ग्लाइडर है और इसको बेसिकली हम सर्वेलेंस के काम hmm. के अंदर ही लेते हैं पैराग्लाइडिंग भी एक बहुत ज़्यादा फेमस स्पोर्ट बन चुका है बलोचिस्तान में जो है स्पेशली बहुत ज़्यादा पैराग्लाइडिंग हो रही है तो क्या ये उससे कुछ रिलेट करके आप लोगों ने आइडिया लिया था असल में पैराग्लाइडिंग आइडिया से लिया गया है मतलब इस तरह के प्रोटोटाइप से लिया गया तो ये एक क्योंकि असल में ग्लाइडिंग करना जो है तो आप अब तो देखने के जैसे कि आपने कहा कि पैराग्लाइडिंग हो रही है तो वो असल में कॉन्सेप्ट यही है कि अब इंसान खुद भी उड़ने की कोशिश कर रहा है वो देखते है कि जहाज उड़ रहे है, तो हम भी उड़ सकते हैं तो बस यही चीज है जबरदस्त भाई रैनम का कैसा एक्सपीरियंस रहा पिक्चर्स में रैनम जो है वो थोड़ा आगे आगे मुझे नजर आई है ऐसा क्यों है क्या ये बात सच है कि लड़कियों को ज्यादा फोकियत दी जाती है नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है <laughs> ऐसा, नहीं? ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है एक्चुअली जिस फील्ड में मैं हूँ <laughs> उसमें लड़कियाँ बहुत कम होती हैं ओके okay. तो एज कम्पेयर टू जो आप, आपका स्टेटमेंट है वो एक जनरल परस्पेक्टिव है लेकिन <laughs> इस फील्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है <laughs> तो लेग पुलिंग बहुत ज्यादा होती है लेकिन कंपेरेटिवली मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत साथ दिया है ये इनिशिएटिव मेरा था तो कलेक्टिवली हमने ये सब काम किया और आ, हमें नहीं लगता था कि इतना बड़ा कंपटीशन सी की टीम्स थी वहाँ पर फास्ट नस्ट वगैरह सबकी टीम्स hmm. थी तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम विन कर जाएंगे लेकिन फॉर्चुनेटली hmm. हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था आ, जो कि बहुत अच्छी खबर थी It's हमारे लिए और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए hmm. तो ये हुआ कहाँ था पाकिस्तान में हुआ तो पाकिस्तान से हुआ था। ये एनईडी में हुआ था प्रिपेलर 19 okay. सो हम फर्स्ट टाइम इसका पार्ट थे तो वी जबरदस्त भाई से पूछेंगे का कैसा एक्सपीरियंस रहा हमें जो है क्या नाम है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और जैसे आपने पहले इनसे सवाल करा है, मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ कि हमें जो है दो मिशन होते हैं हमारे या तो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है या हुँ. तो हमें कंपटीशन के लिए बनाना होता है तो हमें मिशन कंसेंट्स मिलते हैं उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं कैलकुलेशन करके इसका एक थ्री मॉडल तैयार करते हैं जो सॉफ्टवेयर पे बनता है

हमें इम्पोर्ट पड़ती है एक वुड वुड है तो है तो आई और बहुत लाइट वेट होती है ओके okay. उसके बाद और जहाँ जहाँ वुड यूज करते हैं जहाँ जहाँ स्ट्रेंथ की जरूरत है और फिर जो हम बाहर से और सामान इम्पोर्ट करवाते हैं है और वी ऑलरेडी रोड रिसर्च पेपर ऑन इट वो जबरदस्त ये ये कितनी हाइट तक चला जाता है आपका जो ये प्रोटोटाइप प्लेन है

हो जाता है। अब तो मतलब फुल एक्सपीरियंस हो गया है असली वाले जहाज बनाने का कोई इरादा है आप लोगों का इंशाल्लाह। मौका तो जरूर प्रोटोटाइप से आगे जाके एक्चुअल प्लेन बनाने का इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला जरूर आप लोगों को मौका देगा भाई हम आपसे पूछेंगे ये बताइए कि प्लेन्स की बात हो गई सपोर्ट कौन करता है सबसे ज्यादा टीचर सपोर्ट करते हैं या घर से सपोर्ट होती है या खुद ही सारी अपनी मेहनत करनी होती है देखें जो एविएशन की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर वो महंगी तरीन इंडस्ट्री मानी जाती है बिल्कुल ऐसा ही है और अगर आप प्रोटोटाइप भी बनाए शायद आपको देखने में एक वुड लग रही हो लेकिन ये इतना आसान है नहीं और ये कि इसके अंदर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं खास करके जो इसके अंदर एवियोनिक्स लग रही है उसके एक्सपेंसेस बहुत हैं एवियोनिक्स तो, क्या होती है मींस ये कि इसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी लग रही है मींस ये कि इसकी बैटरी है इसका रिसीवर है इसका कंट्रोलर है और इसके अंदर जो आगे प्रोपेलर के साथ जो मोटर लगी है और ब्रशलेस मोटर्स लगेंगे जगह जगह इसके रडर्स को इसके एलिवेटर्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए तो 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 ये 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 सारी सारी चीजें जो 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 है है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हैं। वो एवियोनिक्स के अंदर ही आती बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते और अभी आपको है डॉलर का क्या चल है। तो ये जो पूरा जहाज आपके सामने अगर हम इसको एक अच्छे कंट्रोलर के साथ देखें तो ये अराउंडी टू सेवेंटी का इतना सा है। आप जी बिल्कुल और ये कि अगर वो हमारे ऊपर है कि जितना अच्छा कंट्रोलर यूज करें अब होता ये कि हम जिस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं पी एफ कीट से तो ये कि वहाँ से हमें स्पॉन्सर्ड होती हैं सारी चीजें कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिशन में जाते हैं या रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कीट की तरफ से जो है वो स्पॉन्सर्ड होता है और ये कि हाँ पे जो छोटे मोटे एक्सपेंसिस होते हैं वो घर की तरफ से सपोर्टेड होते हैं लेकिन बेसिकली इसके अंदर यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रोल है तो उसके बाद ही जाकर ज़बरदस्त भाई रैनम से ये पूछेंगे कि अभी फ़िलहाल जो एवियोनिक्स की इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है क्या लैकिंग्स हैं जो अगर कवर हो जाएं तो एक बेहतर इंडस्ट्री सामने आ सकती है हमारी जो इंडस्ट्री में लैकिंग है ना वो बेसिकली ये है कि हमारी जो हरिकी होती है कंट्रोल्स mm -hmm. नहीं होते मतलब जो बंदा जिस डेजिग्नेशन पर है उसको उस चीज़ पर कंट्रोल होना mm -hmm. चाहिए दैट वुड मेक इट मोर ब्यूटिफुल मतलब हमारे पास लैकिंग टैलेंट की बिल्कुल भी नहीं है hmm. लेकिन एक तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी चीज हमारे पास <laughs> मतलब वो नहीं होता कि हम कंट्रोल कर सकें रिसोर्सिस नहीं होती hmm. ये अथॉरिटी नहीं है बहाज exactly. को क्या लगता है कि स्पेशली हम देखते हैं इंजीनियरिंग में बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज़ों से कम अप करते हैं सोलर पैनल्स बना लिए किसी ने सिर्फ वॉकिंग पैड बनाया हुआ है कि आप सिर्फ उस पर चलें और बिजली प्रोड्यूस होगी आप लोग इतने अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे होते हैं क्या लगता है कि क्या ड्रॉबैक क्या है कि ज़ाहिर हम देखते हैं इंजीनियर्स जो हैं वो फिर इंडस्ट्री की तरफ चले गए कोई इस तरह की जॉब कर ली जो उनके डोमेन से बिल्कुल हट के है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों सामने आती है ये इसकी वजह ये एक तो सपोर्ट नहीं होती और जिसकी जैसे ये हमारे ये फन फ्लाई लोग करते हैं इससे अगर हमें सपोर्ट है तो हम इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं इस चीज़ की भी इससे हम सर्विलेंस कर सकते हैं थ्री मैपिंग कर सकते हैं अगर कोई रिमोट एरिया है वहाँ डिजास्टर होता है तो अगर कोई व्हीकल नहीं पहुँच सकता नहीं। तो हम इसके ज़रिए फर्स्ट एड दे सकते हैं उनको बहुत सारी एप्लीकेशनज हैं तो सपोर्ट सपोर्ट अगर हो तो बहुत सारे लड़के ऐसे हमने जैसे मैंने आपको कहा हमने दो रिसर्च पेपर भी लिखे हुए हैं लेकिन अगर सपोर्ट हो तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं और ऐसे हमने 10-12 मॉडल बनाए अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई आपसे हम ये पूछेंगे कि वो कह रहे हैं सपोर्ट हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं आपको क्या लगता है सपोर्ट है क्योंकि विदाउट सपोर्ट आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब विदाउट सपोर्ट ही काम चल रहा होता है तो हम कहते हैं चलो भाई चल ही रहा है काम क्या लगता है आपको देखिए बेसिकली हम स्टूडेंट और हम इस लेवल से गुजर रहे हैं तो ये कि हमें जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि हमें अपनी चीज़ों पर एतवार नहीं है hmm. अब ये है कि हम दूसरे मुल्कों से चीज़ें काफी सारी इम्पोर्ट करवा रहे हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी है और हम कर सकते हैं hmm. अब हर इंजीनियरिंग के बाद मतलब जब आपकी डिग्री कम्प्लीट होती है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है पी की तरफ से कि आपको एक एस बनाना है सीनियर डिजाइन प्रोजेक्ट तो वो एस यूनिवर्सिटी में बन जाता है स्टूडेंट बनाते हैं और पास आउट हो जाते हैं hmm. बट कोई ये नहीं देखता कि वे डी था क्या उसके बारे में रिसर्च पेपर नहीं पढ़े जाते अगर वो रिसर्च पेपर नेशनल लेवल के ऊपर आए और हमारी जो पीई है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है अगर वो उसको प्रमोट करे तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के अंदर डिजाइन सेंटर बनना या रिसर्च सेंटर बनना कोई मुश्किल की बात है अगर हमारे मुल्क में एक बहुत अच्छा डिजाइन सेंटर हो तो यकीन हम अपनी आई भी खुद डिजाइन कर सकते हैं हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स भी खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और हमें इम्पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद हम इतने काबिल काबिले हम एक्सपोर्ट कर सकें ज़बरदस्त भाई मैं आपकी बात से खजर बिल्कुल अग्री करती हूँ क्योंकि मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है हाँ अलबत्तः रिसर्च सेंटर की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है और ऐसा कोई इदारा होना चाहिए जो बच्चों के इन चीज़ों को रिकगनाइज़ करे इसका रिकॉर्ड रखे और इसमें मज़ीद भी आगे रिसर्च करे ताकि हम भी तरक्की कर सकें तमाम दुनिया के ममालिक में ऐसा ही होता है लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बच्चे इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं लेकिन पास आउट हो जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं लोग के क्या प्रोजेक्ट बनाया था वो फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको याद आता है भाई आप लोगों में से कोई एक मैसेज देना चाहेगा देखने वालों को कि किस तरीके से या जो इंजीनियर्स uh, आपको देखे उन्हें कोई मैसेज देना चाहे जैसे मैं बोलता हूँ आजकल जो है इंजीनियर्स को डिग्रेड करा जा रहा है जैसे फेसबुक वगैरह पे मीम्स वगैरह बनते हैं तो ऐसा नहीं है जिसका मतलब बच्चों पे फोर्स नहीं करना चाहिए जहाँ उनका रुझान है उनको वहीं भेजना चाहिए जैसे मेरा था, मेरा तो बचपन से था नाम <laughs> तो जहाज बोलते थे मुझे तो बचपन से रुझान ऐसे ही जिस बच्चे का जहाँ रुझान है वहाँ उसको भेजना चाहिए बिल्कुल वहाज आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है जिस बच्चे का जहाँ ध्यान हो उसे वही भेजना चाहिए फोर्स नहीं करना चाहिए ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया भाई आप लोग आए आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और साथ ही यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे ब्रेक का तो कहीं मत आएगा देखते रहिएगा जेल उठा पिस्ता वेल कम बैक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कर लिया है मैट्रिक और अब आगे जा कर पर्स्यू करने वाले हैं इंटरमीडिएट में यानी कि अब जो बच्चे हैं वो हैं कि किफ्यूजन का शिकार कि बायोलॉजी की तरफ जाया जाए या इंजीनियरिंग की तरफ जाया जाए या फिर कॉमर्स की तरफ जाया जाए तो हम फर्दन फर्दन जो है आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि उन्हें हम रहनुमाई देते रहें कि कौन सी फील्ड उनको ज़्यादा सूट करती है कौन सी फ़ील्ड का क्या स्कोप है या किस तरीके से अपने इंटरेस्ट को प्रिवेल कर सकते हैं इंजीनियर ंग की हम बात करते रहते हैं और मेडिकल तो एक पूरी आ, अपनी जात में ही एक इंडस्ट्री है कि अगर किसी को डॉक्टर बनने का शौक है तो वो तो स्ट्रेट अवे मेडिकल में चला जाता है लेकिन कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग की तरफ जाया जाए या कॉमर्स की तरफ जाया जाए तो आज हम अपने शो पर बात कर रहे हैं जनाब कॉमर्स की कॉमर्स की फील्ड्स के बारे में बात होगी एच के बारे में बात होगी कंसल्टेंसी के बारे में बात होगी सारी जो कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड्स हैं ना आज तमाम बच्चे जो कॉमर्स लेने वाले हैं या सोच रहे हैं क्या लें तो उनके लिए आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट

में वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स हम, हम लोग सिर्फ कॉमर्स में डील करते हैं और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली ये कि हम कॉमर्स एक ही चीज़ को फोकस करेंगे तो उसमें ये कि आप बिल्कुल ऐसी एक चीज़ फोकस करने से बेहतरी आती है उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली सिद्दीकी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं एनएलपी प्रैक्टिशनर है हाइपनोथेरापिस्ट भी हैं भाई ये तो इतनी मुश्किल चीज़ें हैं मुझे बिल्कुल पढ़ने में भी नहीं आ रही तो इनसे पूछेंगे कि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं करियर कोच भी हैं आइल्स ट्रेनर भी हैं भाई आइल्स के लिए तो मैं खुद भी इनसे रापता करने वाली हूँ सीईओ ऑफ द एजुकेशनस्ट भी हैं अस्सलाम अली सिद्दीकी साहब इतने सारे डोमेन्स मैं ये समझता हूँ कि इंसान जितना रिसोर्सफुल होता है वो उतना सक्सेसफुल होता है

चाहिए, जिनको, uh, के बारे में आपको ये, जी, uh, करते हैं। जी हम लोग पे ये काम करते हैं। trainers, so, ओ अच्छा कॉमर्स की अगर हम थोड़ी सी बात करें क्योंकि मेरा आज थोड़ा सा था कि हम कॉमर्स के ऊपर रोशनी डालेंगे जैसे कि आप भी एम बी एच आर है और आपकी भी इसमें रह चुका है एक्सपीरियंस तो कॉमर्स क्या लगता है क्यों जरूरी है एज अ सब्जेक्ट

कराची में ही ना सिर्फ इंस्टीट्यूशन में जाते थे बल्कि कराची के बाहर भी प्रेजेंटेशंस के लिए जाते थे मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कॉमर्स को या अकाउंटेंसी को एक बहुत ही कन्फाइंड या नैरो विजन के साथ में हमारी यूथ देखती है प्रॉबली आज भी देखती hmm. है जो स्टूडेंट्स 80 परसेंट स्कोर करते हैं 90 परसेंट स्कोर hmm. करते हैं वो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में चले जाते हैं hmm. जो स्टूडेंट्स इससे कम स्कोर करते हैं वो Uh, दूसरे जो रेलिवेंट फील्ड हैं बिजनेस है उन तमाम फील्ड्स में चले जाते हैं जो स्टूडेंट्स आखिर में बचते हैं फिफ्टी परसेंट और सिक्सटी परसेंट वाले ओनली दे ऑप्ट फॉर बी कॉम और अकाउंटेंसी फील्ड

गो टू दीज चिल्शन ऐसे अगर तो हम इसको बी ए से कम्पेयर करें दिए। तो डेफिनेटलीट वेरी डिफिकल्ट इफ वी आर गोइंग टू कंपेर इट विध अदर क्वालिफिकेशन लाइक सी एस एस इट्स इट इक्वली एबल इट्स इट मैं खुद साइकोलॉजी पढ़ने के बाद व्हेन आई बिकेम पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी फील्ड जब मैं तबानीस का हिस्सा बना mm -hmm. तो आई वाज़ सो मूव्ड एंड मोटिवेटेड टू सी कि मैंने खुद डिसाइड एक्चुअली स्टार्ट माय ऑब्वियसली आई डोंट दर्टिफिकेशन डिग्री डिग्री एन एट बट आई आई शुड गेट

पाकिस्तान में एच आर इज़ अ वेरी अंडर डेवलप्ड कॉन्सेप्ट फॉर आर नेशन अनफॉर्चुनेटली हालांकि ह्यूमन रिसोर्सेज में जो बाहर काम हो रहा है वो उसका हम अभी उसका हम 50 परसेंट भी हम वहाँ तक अभी पहुँचे ही नहीं हैं जहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द नेशन सो क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉज खुश नहीं हैं, hmm. तो दे काम, काम ही नहीं, वो करेंगे, काम ही नहीं करेंगे और जब काम नहीं करेंगे तो इवेंशअली कॉर्पोरेट सक्सेस वुड फेस वुल्ड व्हाट एवर सक्सेस इज है, है, छोड़ के चले जाते हैं। और कहीं पर भी कोई भी इंसान काम करे और वो अचानक से छोड़ के चला जाए तो उसका इम्पैक्ट पूरे डिपार्टमेंट पर पड़ता है अनफॉर्चुनेटली अच्छा मैं यहाँ पर सोच रही हूँ की हम करियर काउंसलिंग के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करते हैं ओवरऑल सारी फील्ड पर को भी डिस्कस करते हैं मेरा सवाल आप सब लोगों से होगा बारी बारी ऐसा क्यों होता है सबसे पहले मैं शाह पूछना चाहूंगी सर ऐसा क्यों होता है कि हम किसी भी चीज को फैशन बना लें

क्यों किसी डिग्री को फैशन क्यों बना लेते हैं देखिए फैशन बेसिकली नहीं होता है वो बेसिकली होता है ये कि आपकी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप अपनी स्टडीज का माइंड सेट करते हो जैसे की आता टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है अब जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो बच्चा जो है वो बी को फोकस नहीं करेगा वो करेगा कि भाई फलाना शख्स जो है वो सी करके इस पोस्ट पर आया हुआ है तो फलाना शख्स अगर सी करके इस पोस्ट पर आया तो मैं भी सी क्यों ना कर लूँ चाहे उसमें एबिलिटी हो या ना हो चाहे उसमें वो सलाहियत हो या ना हो लेकिन वो उसको देखकर कॉपी करके वो सी की तरफ कूद पड़ेगा मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि इंटर पास बच्चा अब इंटर पास बच्चे का अपना कोई माइंड सेट तो होता ही नहीं है वो जस्ट अट्ठारह साल का बच्चा होता है वो कहता है कि मैं सी करूं करूँ ए सी सी ए तो मैं कहता हूँ पहले इंटर करो आप इंटर करने के बाद पहले अपने आप में मेच्योरिटी लाओ और उस चाल पे चलो उस रिदम पे चलो जो रिदम आपको सही पाथ पर ले जाए सही रास्ते पे ले जाए मतलब ये कि आप ये मत देखो कि दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं आप ये देखो दुनिया में आपको क्या करना है दुनिया की रिक्वायरमेंट क्या है इस वक्त आपकी नीड क्या है आपकी एजुकेशन जो है वो इस मुल्क के लिए इस दुनिया के लिए कितनी फ्रूटफुल है न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है आपकी इजी जॉब कहाँ पर होगी हम इस चीज को छोड़ के देखते हैं फलाना के बेटे ने अगर एमबीए बी ए किया तो मेरा बेटा भी एमबीए हाँ, कर रहा है प्रॉपर फोरकास्टिंग नहीं करते हैं हाँ, कि अगर मैं कुछ पढ़ लूंगा एट द एंड ऑफ माय डिग्री इसकी कितनी वर्थ होगी फॉर एग्जांपल अगर मैं uh, कुछ भी पढ़ रही हूँ मैंने चलो uh, कोई होम्योपैथिक का एक फैशन था लड़कियों में बड़ा चला था डॉक्टर बनेंगे भाई आप एट द एंड ऑफ द योर डिग्री आप ये तो सोचे की उस टाइम कितनी डिमांड होगी yes, होम्योपैथिक डॉक्टर की तो इस बारे में भी थोड़ा बताइएगा की फोरकास्टिंग अली साहब थोड़ी इस पे आप रोशनी डालिएगा की क्यों नहीं फोरकास्टिंग करते हैं बच्चे मैं आपको अर्ज करता है क्या और ये से होनी चाहिए बिल्कुल। और ये होनी भी चाहिए नहीं होनी चाहिए या फिर जिस तरह आपने कहा कि एक भेड़ चाल चलती है और हर शख्स जो है वो एक तरफ चलना शुरू हो जाता है करियर काउंसलिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक काउंसलर आपके साथ में बैठता है आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसिस दोनों को एनालाइज करता है अच्छा आ, मैं आपको इसके दो कांसेप्ट्स बताता हूँ एक कांसेप्ट हमारा देसी कांसेप्ट है एंड व्हिच इज फाइन जो कि कई सालों से बहुत अच्छा चलता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे असاذवार हमारे वालिदैन भी दूसरी प्रोसेस से गुजरे उसमें होता यह था कि हमारे बड़े हमारे लिए फैसला किया करते थे वो ये देखते थे कि अभी इस टाइम के ऊपर इस बच्चे को हम एक औलाद के लिए वाले से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला कोई और शख़्स नहीं, नहीं हो, हो सकता। तो वो इस तरह से कहा जाता था जब मैं हमदर्द स्कूल कर लो तुम अच्छा स्कूल कर लोगे अच्छी परसेंटेज लेकर आ जाओगे जिंदगी आसान हो जाएगी फिर जब हम आ खान पहुंचे तो बस लो तुम अच्छी तरीके से जिंदगी सुकून में आ जाएगी फिर हम कराची यूनिवर्सिटी बस यूनिवर्सिटी कर लो या तो हलवा है लेकिन ऐसा कुछ

एक चीज जो मैं आपको आ, जो अपने दिल की है एक चीज जो इंसान अपने आप को हर इंसान सबसे बेहतर जानता है बिल्कुल yes. तो हर इंसान चूंकि अपने आप को सबसे बेहतर जानता है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दूं जिस टाइम मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया मेरे अबू ने बस मुझे एक नसीहत की थी कि बेटा जो भी करना फील्ड में बेस्ट रहना आई वांटेड टू स्टडी साइकोलॉजी लेकिन अब चूंकि प्रेशर था माय फादर वाज इन पेट्रोलियम

क्योंकि में डिसीजन करनी होती है तरह शाह ने 8th क्लास जो है ना वो ऑप्टिमम टाइम है ऑप्टिमम एज है स्टेज है जहाँ पे आप स्टूडेंट को goal लेके set बैठे है, है बच्चा, mm -hmm. और न सिर्फ गोल सेटिंग उसके ऊपर फिर उसकी चेक एंड बैलेंस भी होता है एक, ऐसा भी नहीं है कि आपने करियर काउंसलर को सिर्फ एक दफा जिंदगी में विजिट करना है दैट करियर काउंसलर विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ आपने, उनको आपने yes, sure. तो और उनको विजिट करना है यू नीड टू रीचेक योर गोल्स आपने शॉर्ट टर्म गोल्स कितने अचीव किए कितने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव किए तो वी प्रोवाइड दैट सर्विस और हमारा जो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है यहां से हम ना सिर्फ ये करते हैं बल्कि फिर वॉट वी डू इज वी गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर द स्टूडेंट्स हम ये देखना शुरू करते हैं फिर वहां से जो स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिवर्सिटी के आते हैं कि हम इनको कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं Hmm. किन किन इधारों के साथ में हैं बना सकते हैं। हम इनको, क्योंकि मैं आपको क्योंकि आप, आप इतफाक करें ऊपर पाकिस्तान के अंदर अनएमेंट का बहुत प्रॉब्लम hmm. है लेकिन आप लोग तो बताएंगे क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट मे बी द रीजन के जी इकोनॉमिकल सिचुएशन हमारी इस तरह की है लेकिन hmm. आजकल हम लोग जो है ना मैं जो ये लोग सब बात कर रहे थे हम लोग जो है वो बहुत फैसिनेटेड हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम द डिजिटल एरा टुडे जी फलाना बंदा ये काम कर रहा है फलानी बंदी इज इन दिस पोजिशन तो यू नो दिस इज वेरी गुड और ये बहुत ही कोई बड़ा उन्होंने तीर मार लिया अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं देख पाते वी डोंट लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन कि जी अगला बंदा कौन कौन सी फेलियर्स को बर्दाश्त करते हुए उस अचीवमेंट के ऊपर आया है उसमें क्या क्या एबिलिटीज़ हैं हो सकता है वो एक हाँ। अच्छा सी ए बन सकता है लेकिन आप एक अच्छे सी ए नहीं बन सकते, बन सकते। तो मैं यहाँ पर शाह साहब से भी यही सवाल करूंगी कि जैसे कि बात हो रही है कि बच्चे किसी चीज़ को इस तरीके से भेड़ चाल बैंड वैगन आपकी शुरू हो जाती है कि इसको देख के ये कर लिया उसको देख के ये कर लिया आपको क्या लगता है कि अभी पाकिस्तान की अगर फोरकास्टिंग की जाए तो कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं कौन सी कौन सी जो कि फ्यूचर में बड़ी बेनिफिशियल होंगी यानी कि पाँच छः साल बाद जब बैचलर्स अपना कंप्लीट करेंगे तो देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिंपल ये है कि डिग्री कोई भी हो उसमें बच्चा बने काबिल ठीक है हमारे जो यहाँ पर फ्लॉस बने हुए सारे हम हर जगह पे वीक है। हम हैं हम मेडिकल में जाएं तो हमारा अपना जो वजीर आजम है वो यहाँ इलाज करना पसंद नहीं करता अगर हम इंजीनियरिंग की तरफ जाएं तो अपने पुलों और रोडों का हाल देखा हुआ है हम अगर कॉमर्स की तरफ जाएं तो रट के बच्चे पास हो रहे हैं मैंने यहाँ तक सुना है कि अकाउंटिंग अकाउंटेंसी जैसे को भी रटाया जाता है। बिल्कुल ही। अब इस बीच से अगर बच्चा निकलेगा मार्केट में तो वो कैसे सरवाइव करेगा तो मेरे ख्याल में कि बहुत जगहों पे जो है वो बहुत से स... वो हैं होल्स हैं। पहले हमें उस होल को हमें हर तरह के बच्चे की जरूरत है हमें डॉक्टर की भी जरूरत है अच्छे हमें अच्छे इंजीनियर की भी ज़रूरत है हमें अच्छे चार्टड अकाउंटेंट की जरूरत है अच्छे मैनेजर की भी जरूरत है अच्छे बैंकर की भी ज़रूरत है यानी कि आज का प्रॉब्लम ये कि एक बैंकर बैठ कर सही इनफॉर्मेशन नहीं देता मैं आप एक वाक्य बताता हूँ मैं एक बैंक में गया मैनेजर साहब से मैं बात कर रहा हूँ मैंने कहा आपके यहाँ फॉरेन करेंसी अकाउंट के बारे में मुझे मालूम करना है तो वो वो अपने वो अपने उसको बुलाता है ऑफिसर को कहता है कि हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलता है मतलब मैनेजर मैनेजर नहीं जानता वो मैनेजर नहीं जानता कि हमारे इस ब्रांच में फॉरेन करेंसी अकाउंट रन भी किया जा रहा है नहीं तो hmm. मुझे समझ में नहीं आया वो मैनेजर कैसे बन गया तो अगर हम बच्चे को रट्टू hmm. तोता ना बनाए hmm. और उसको काबिल बनाए hmm. मतलब See, काबिल ऐसे है कि जिस अगर उसको उस बच्चे को बताया कि ये तुम्हारी फील्ड है ये तुम्हारा गोल है इस गोल में तुम्हें अचीव करना है ये तुम्हारी सैलरी मुमकिन है और मार्केट में तुम्हारी इतनी गुंजाइश है और उस बच्चे को उस गोल के मुताबिक सही रास्ता बताया जाए सही गाइडलाइन सही उसकी कैरियर क्रॉसिंग जो मैंने कहा कि फ्रॉम क्लास एट क्लास एट से उस बच्चे को जज किया जाए उस बच्चे पर वर्किंग की जाए अगर वो अच्छा स्पोर्ट्स मैन है तो उसको स्पोर्ट्स में लेकर जाए अगर वो अच्छा मोटिवेटर है तो आप उसको मोटिवेशन की तरफ ले जाए अगर वो अच्छा स्पीकर है उसको स्पीकिंग की तरफ ले जाए अगर वो अच्छा बिजनेस है तो उसको कारोबार की तरफ अगर वो क्रिएटिंग बहुत ज़्यादा है तो उसको इंजीनियरिंग डॉक्टर की तरफ लेके जाए मतलब ये हाजाओं को सोचना है कि जिन बच्चों पर इस मुस्तबिल को चलाना है उन बच्चों के ऊपर हमारी क्या वर्किंग है बिल्कुल हम क्या अच्छा, एक कर रहे है? और पॉइंट यहाँ पर है शाह साहब अगर मैं गलत हूँ तो मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास फ्लॉज आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल माँ बाप पैसा लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर कि भाई कॉमर्स पढ़ लो इंजीनियरिंग पढ़ लो मेडिकल पढ़ लो लेकिन वो रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है मुझे पर्सनली क्योंकि मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने इर्द गिर्द जो माहौल देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है शाह साहब कि बच्चों को एथिकल ट्रेनिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है क्लास में आपके हीरे जैसा टीचर खड़ा हुआ है जो है वो पढ़ा रहा है वो अपनी

और ये एथिकल ट्रेनिंग बेसिकली आप स्कूल की बात करते हैं तो वहां से नहीं है अभी हम लोग बात कर रहे थे एथिकल ट्रेनिंग बेसिकली घर से होती है बिल्कुल एक बच्चे को उसका बाप कहता है जो बच्चा है तेरह चौदह साल का बेटा जाकर मेरे सिगरेट का पैकेट ले आओ मेरे लिए गुटका ले आओ मेरे लिए मावा ले आओ तो वो बच्चा जब वो चीजें अपने बाप की लाएगा तो सोचेगा ये अच्छी चीज होगी वो खुद भी इस्तेमाल करेगा फिर वो अपने बाप को फोन पे झूठ बोलता हुआ सुनेगा फोन पे गालियां देता हुआ सुन सुनेगा जब वो ड्राइव कर रहा होगा तो वो देख रहा होगा किसी ने अगर उसके अब्बा को ओवरटेक किया तो अब्बा ने गंदी गाली मुंह से निकाल दी उसको लालत दिखा दी तो इस सीट पे आज ये बैठा हुआ है वाले साहब बैठे हुए उस सीट पे कल उसका बेटा बैठा, बैठा होगा तो ये ट्रेनिंग बेसिकली जो है वो घर से हो रही है और झूठ घर से सिखाया जा रहा है और बाप अपने बेटे के साथ रिलेशन रख ही नहीं रहा एक बच्ची जब बड़ी हो जाती है तो वो अपनी माँ से टच हो जाती है अभी मैं बात कर रहा था यही तो जब वो बच्ची अपनी माँ से टच हो जाती है चाहे तो उसकी शादी हो जाए फिर उसकी औलाद हो जाए वो अपनी माँ से इंट्रैक्शन उसकी ज़्यादा होती है लेकिन एक बच्चा जब तेरह चौदह साल की उम्र में आता है तो बाप से वो कट जाता है बाप की इंटरेक्शन नहीं रहती है बाप को चाहिए वो अपने बेटे को बिठाए हाँ। और पूछे कि बेटा सुबह से तुमने शाम तक क्या किया है चेक बैलेंस और मैं तुम्हारी उम्र में ऐसा था तुम क्या कर रहे हो फिर वो अपने ऑफिस की बातें शेयर करें कि बेटा आज मेरे साथ ऑफिस में ये हुआ आज मेरे साथ ऑफिस में ये हुआ तुम बताओ तुम्हारे साथ दोस्तों में क्या हुआ देखिए माँ अगर बाहर से आती है तो अपनी बेटी से सारी बातें शेयर कर लेती है बेटी जब अपनी सहेलियों से मिल के आती है तो अपनी सारी बातें अपनी माँ से शेयर कर लेती है लेकिन बेटा जब अपने दोस्तों से आता है अपने बाप से वो बातें शेयर नहीं करता।, भी नहीं करता कि बाप ने वो इतना डिस्टेंस रखा हुआ है कि बच्चे अपने बाप के सामने जाता ही नहीं है बाप खुद बच्चे को बुलाए बिठाए क्योंकि जितना अच्छा ट्रेन बाप कर सकता है मैं नहीं, नहीं हुँ। समझता हूँ कोई और कर सकता ऐसे लेकिन आजकल बाप बिल्कुल वही मिसाल है कि अगर कबूतर ये समझे कि मैंने आंखें बंद कर दी है बिल्ली में नहीं देख रही है तो वो कबूतर पहला मारा जाता है तो बाप देख रहा है कि मेरा बेटा जिस माशरे में घूम रहा है पर पर गंदी भी सिगरेट भी है वहां पर, पर नशा भी है मैं 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 क्यों अपने क्योंकि इसको बाहर जाने से रोक तो सकता नहीं मैं इसको ऐसी ट्रेनिंग दे दू की जब सोलह सत्रह अठारह साल की उम्र में आए तो उसको पता चले कि ये सारी चीजें सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है मेरे लिए कितनी नुकसानदेह है फिर वो जो प्रॉब्लम अब्बा को ऑफिस में आ रही है वो अपने बेटे से शेयर करे हो सकता है कि बेटा उसको कोई अच्छी सी एडवाइस दे मेरा बेटा मुझे एडवाइस देता है मेरे बच्चे मुझे मैं अगर फेसबुक पे कोई स्टेटस डालता हूँ तो पहले मैं अपने बच्चों को दिखाता हूँ बेटा देखिए सही है गलत है लेकिन आप जब अपने बच्चों के साथ मिलकर रहेंगे तो ऑफ कोर्स आप में वो जो झिझक होती है ना बाप ना और बेटे और बड़े भाई और चचा और मामू में तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो बच्चा फिर नाकाम होगा फिर वो अपनी बातें अपने बाप से शेयर करेगा अपने मामू से शेयर करेगा अपने चचा से ये तो एक हो गया दूसरी बात यह कि जब वो स्कूल आता है जी जी। तो मैं अपने इस रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए ये मुल्क बहुत रो रहा है इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत तकलीफें हैं तो जो बच्चा अगर आपको अल्लाह ने दिया है इल्म के लिए तो आप तनख्वा मत देखो आप फीस न मत देखो अपना बेस्ट उसको दो ताकि वो बच्चा जब मार्केट में आए और मार्केट में सर्व करें तो आप ही के बच्चों का उससे फायदा होगा बिल्कुल ऐसे ही आप ही के बच्चों बिल्कुल का बिल्कुल ऐसा ही होगा है। है। अच्छा यहाँ पर द एजुकेशन के हवाले से मैं एक सवाल ये करना चाहूंगी अली साहब से और सज्जा से कि बात यहाँ तो हो गई माँ बाप की बात कि माँ बाप किस तरीके से उन्हें बेहतरी की तरफ ला सकते हैं और उनसे अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे तो बच्चों के अंदर एक जज्बा जागेगा मेरा सवाल ये है कि किस हद तक आप लोगों को लगता है क्योंकि आप लोगों ने बताया कि टीचर्स भी आप लोगों के पास ट्रेनिंग करने आते हैं तो किस हद तक टीचर्स का हाथ होता है कि भाई बच्चे को मोटिवेट करने में और उससे इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में में। डेवलप mm -hmm. उसका, उसका करवाने mm. more involved, he's more involved. Uh, into things. ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्वमेंट के अंदर लेके आएगा सोशल mm -hmm. अपनी सोशल एक्टिविटीज को उसमें gather करेगा तो यहाँ पे टीचर्स का भी बहुत ज्यादा हाथ है hmm. एक बच्चे की अपब्रिंगिंग के अंदर नाउ वाई आई से ऑल द टीचर्स नीड टू क्रॉस चेक डूइंग इन क्लास रूम इसलिए कि इवन यूनिवर्सिटी लेवल में भी मैंने जहाँ से यूनिवर्सिटी आई वॉन्ट टेक द नेम ऑन ठीक है मैं आई हैड वेरी गुड टीचर्स लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में या हमारी यूनिवर्सिटीज uh, में अभी तक जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि जी मैंने किताब में ये चीज पढ़ी है मैं इसको स्लाइड के ऊपर लगा दूंगा और hmm. उसको प्रोजेक्टर में इंसर्ट कर दूंगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर द होल क्लास अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं देख पा रहे कि जी हमारा बच्चा लर्न किस तरह से करना hmm. चाहता है दिल्कुल. ठीक है इज ही अ लर्नर और इज अ लर्नर दैट विल बी एबल टू गेट थ्रू के जी लेक्चर दिया क्लास से उठ के चले hmm. गए या फिर शी और ही द दैपेबल पर्सन जिसके अंदर एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग वाला सिस्टम है तो वो इंटीग्रेटेड शुरू से ले आखिर तक होगा जहाँ आप अभी बिहेवियर्स की बात कर रही थी और आप कह रही थी कि जी आ, एथिकली ट्रेन करना चाहिए तो एथिकली ट्रेनिंग उसके अंदर टीचर्स की भी इन्वॉलमेंट ये होगी कि टीचर कितना कर रहा है अपनी क्लास hmm. की को बिल्कुल इफ दैट इज़ नॉट तो अर्ली hmm. Ais yeah. hmm. जहाँ पे आप जो करियर hmm. काउंसलिंग uh, की बात हो रही थी आई वुड डिसग्री विद आई बिलीव के जी मॉन्टेसरी में जब आप बच्चे को दाखिल करा रहे होते सिस्टम hmm. तो वो आ गया है जहां पर बच्चों को प्रोफेशनल डे प्रोफेशन डे hmm. होता है प्रोफेशन डे बनाया जाता है उसमें आपके लिए यू शुड हैव हैव अ करियर काउंसलर बेस्ड इन योर स्कूल्स और यू अ साइकोलॉजिस्ट जो कि मॉनिटर करे कि जी hmm. ये किस चीज बच्चे बच्चे में इंटरेस्ट ले रहे हैं hmm. वो एक रिपोर्ट देगा आप पेरेंट को एंड देन इवेंचुअली वो वो चेंज होते रहते हैं hmm. एज के साथ में लाइक फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर सम टाइम बैक बचपन में बचपन में ठीक है बट मैं जब मैंने अपने स्कोर्स देखे और जब मैंने दूसरों को देखा यार आखिर के अंदर तो सब जो है वो रोटी करने बैठ जाते हैं उनको तो जो है वो होता <laughs> ही नहीं उस इस है उस तरह से तो इवेंशली तो मैंने कहा नहीं भाई देर समथिंग एज दैट आई नीड टू डू पेरेंट्स चाहते थे इंजीनियर दादा चाहते थे लॉयर इवेंशली कुछ और ही बन गए हम लोग

िटीज को फील्ड के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं यहां पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा देखते रहेगा जी उठा पाकिस्तान वेलकम बैक यहाँ पर बात हो रही थी जब हम ऑफ एयर कमर्शल पर थे तो सी और ए सी सी एस की कि भाई वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनना है घर वाले जो है वो बड़ा प्रेशराइज कर देते हैं तुम तो चार्ट अकाउंटेंट बनोगे और तुम तो ए सी सी ए करोगे लेकिन बच्चा इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है वो बाकायदा रो रहा होता है लोगों से मिल रहा होता है वो अ, क्लिनिकल इन लोगों के सेशनस होते हैं मैं खुद काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्विट किया सी और ए सी सी ए को तो बच्चों पर क्यों इस तरह का प्रेशर डाला जाता है और जैसा कि मैंने कहा था ब्रेक से पहले आपसे कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो पूछेंगे कि क्या कैपेबिलिटीज देखते हुए किसी भी इंसान को कौन सी अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए जी अली देखें पहले तो मैं आपके फर्स्ट जो आपके ये जो क्वेश्चन उसको आंसर ये बड़ा हमने हैं पास्ट इयर्स में आप बिल्कुल सही कह रही ना सिर्फ सीएस मैंने इंजीनियर्स भी देखे बिल्कुल अच्छा ये इट कट्स बोथ दोनों तरफ ये इसके जो आते हैं आप यूं समझें कि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कि घर वालों से खुद लड़के चार्टेड अकाउंटेंसी पढ़ते हैं घर वालों से लड़के इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और घर वाले कह रहे होते स्टडी समथिंग एल्स कहते नहीं हमारा इंटरेस्ट यहीं पर है And vice versa as well. अच्छा, दोनों ही सूरत है हाल के अंदर वी नीड टू अंडरस्टैंड कोई भी स्टूडेंट कोई फील्ड किन बेसिस की बुनियाद के ऊपर जो है वो सिलेक्ट करता है तो द फर्स्ट थिंग इज सोशल रिक्शन में आप जैसे तरह इंजीनियर्स डॉक्टर्स hmm. की जो है वो वो रिस्पेक्ट <laughs> है आपने अक्सर नाम देखा होगा इंजीनियर बिल्कुल शादी कार्ड इंजीनियर डॉक्टर अभी जिस तरह हाजी सभी होते हैं बहुत सारे जो है वो मामलाते हैं जिसके अंदर तो ये सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट सबसे पहले सोशल रिकॉग्निशन मिलती है उनको इस चीज के ऊपर दूसरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अब ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है hmm. मतलब अब उसमें जिस टाइम के ऊपर मैं अपने कॉलेज में था खान ने तो आलि नफी साहब मेरे साथ बैठे मैंने उनको ये शेयर किया कि सर आई वॉन्ट टू बी बैकोजस्ट अच्छा हमारे टाइम के ऊपर साइकोलॉजी फील्ड जो है वो लड़कियाँ ही पढ़ती थी सर hmm, तो खैर ट्रेंड काफी चेंज हो चुका है अलहमद तो ही स्केप्टिकल क्लियरली के अली तुम कर तो लोगे मगर आगे क्या करोगे पता नहीं तुम इतने अच्छी जो है वो लुक्रेटिव जॉब्स तलाश कर सको ना कर सको अब चेंजेस आ गई हैं हमारे पास अलहमदिल्ला अच्छा अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि सोशल रिकग्निशन एंड फाइनेंशियल अबेंडेंस इन दोनों चीज़ों को देखना और साथ में वो जो आपने जो सबसे अहम सवाल जाने से पहले पूछा था कि पहले बच्चे को असेस भी तो किया जाए देखा भी तो जाए कि वो बच्चा कर भी पाएगा उसे या नहीं कर पाएगा मैं आप ये शायद सरप्राइज होंगे इस बात को सुन के कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है वर्किंग एट तबानीज एंड वर्किंग विद अदर इंस्टीट्यूशंस एज़ वेल कि जो टॉपर्स आते हैं ना हमारे पास mm -hmm. वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी बेहतर अंदाज में कर लेते हैं रियली really? जी आप यू विल बी सरप्राइज टू हियर दिस अच्छा आई ऑलवेज से दिस कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू नर्ड्स जो पढ़ाकू बच्चे हैं ना उनका है फ्यूचर अच्छा आई एम ब्रेकिंग द स्टीरियर जो कहते हैं ना जो कैसे बसीम साहब की मिसाल दी जाती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो खराब खेलोगे कूदोगे

के सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं गाइड कर रहा हूँ अपने बच्चे को अपने स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, मगर वी आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद दैट स्टूडेंट एज़ वेल अब वो स्टूडेंट बड़ा भी हो रहा है उस बच्चे के अपने चैलेंजेस हैं इस टाइम के ऊपर ही वांट्स रिकॉग्निशन शी वांट्स रिकॉग्निशन अराउंड इन अ सोशल सर्कल एक्सेप्टेंस चाहिए उसको hmm. और ये ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेज है स्टूडेंट के किसी भी स्टूडेंट आप भी गुजर रही हो उससे मैं भी गुजर रहा हूं हर बच्चा गुजरता है कि यहां पे जिस तरह सर ने फरमाया है कि पेरेंट्स का कनेक्शन अपने बच्चों के साथ होना बहुत जरूरी है जरूरी। तो मे बी कि वो इतना शायद पैली ना हो उनके साथ हुँ. में कि वो ऑफिस के मैटर्स डिस्कस करें पर एटलीस्ट वो उनके साथ में इतना टाइम जरूर स्पेंड करें कि बच्चे फ्रीली अपने दिल की बात उनसे कर सकें तो उनकी रेंडम बातों में आपको पता चल चल जाता है है कि जिंदगी में क्या रहा उनके sure. किस तरह के हैं और उठना बैठना किन लोगों के साथ है? और ये इस चीज पे नजर रखना अच्छा सोच आपने जो सवाल पूछा कि हम बच्चों को किस तरह से किस तरह से उनकी फील्ड्स के लिए उनको देखेंगे देखें पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स होते हैं हमारे ठीक है कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट हमें टेस्टिंग के थ्रू और uh, observation के समझ में आने लगते हैं। जिस तरह अब आपको चार्ट अकाउंटेंसी के लिए मिसाल के तो के, के major discussion है तो मैं अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं डाल सकेंगे और अगर मिजाजी नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू क्लियर इट अच्छा फिर इसका सोल्यूशन भी है

Hmm. जो कि आपके साथ में भी हुआ होगा सर आप तो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस <laughs> आपने हजारों बच्चे पढ़ाए आपने देखा होगा हमारे यहाँ बच्चों को स्टडी की ट्रेनिंग दी जाती है आज तक आपको कभी किसी ने बताया है पढ़ना कैसे मतलब हम ट्रेनिंग करवाते हैं इसके अंदर और हमारी ट्रेनिंग मतलब हम जबानी के नाम बातें नहीं करते उसके अंदर और उसके बाद उनकी परसेंटेज के अंदर फाइव टू टेन परसेंट इंक्रीज आती है एंड ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट किस लेवल से जब चेंज कर अपने आप को जो है वो हमारे साथ में एंगेज कर रहा है नाइनटी परसेंट वाला हंड्रेड परसेंट नहीं बट ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट इज गोइंग टू बी देर आप खुद सोचेंगे जो इस सिस्टम से निकल के बच्चा नाइन्टी ऑलरेडी स्कोर कर रहा है एटी परसेंट स्कोर कर रहा है एंड इफ वी कैन ट्रेन दिस स्टूडेंट इन टू दिस पैटर्न ऑफ स्टडी अच्छा यहाँ पे हजार की जो बात आई है तो मेरे बात में जहन में एक बात ये भी आई है कि अगर हम बी कॉम की तरफ देखते हैं तो सर पाँच बच्चे हम देखते हैं कि ईयरली बेसिस पे बी कॉम कर रहे हैं स्टिल हमारे पास जो जॉब्स होती हैं वो कोई साल में Very 50 या बहुत अगर हमने स्मॉल कंपनीज को भी अगर साथ में मिला लिया तो हंड्रेड तो ये कहाँ पर केटर होंगे बच्चे क्यों इस तरीके की सिचुएशन है कि बच्चों के लिए जॉब्स नहीं है डिग्री ले रहे हैं स्टूडेंट्स लेकिन इनके पास जॉब्स नहीं है जॉब ना होने की सबसे बड़ी वजह तो हमारी इंडस्ट्रीज का ना होना है अब देखिए हम किस चीज के मेकर हैं हम क्या बनाते हैं हम हर चीज़ तो इम्पोर्ट करते हैं मतलब कुछ भी हम कपड़ा भी बाहर से इम्पोर्ट करते हैं हम धागा भी बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो जब हमारे पास चीजें इंडस्ट्री नहीं होंगी जब हमारे पास बच्चे के बाहर सोर्सेज ही नहीं होंगे तो बच्चा उसमें अपने आप को कैसे सेट करेगा और पढ़ाई उसकी मजबूरी है क्योंकि वो मोटरसाइकिल का मैकेनिक तो बनने से रहा वो जो है वो प्लम्बर बनने से रहा वो इलेक्ट्रिशियन बनने से रहा हमारे यहाँ तो इसको जुर्म और बल्कि बहुत गुनाह समझा जाता है है ना हमारे यहाँ तो बच्चा पढ़ेगा मैट्रिक करेगा इंटर करेगा

इसलिए नहीं नहीं है कि हमारे इंडस्ट्रीज नहीं है। hmm. हमारे पास पास और और बची कुछ भी अभी की की कल ही मैं बल्कि सैटरडे को न्यूज़ देख रही थी वहां पे सिचुएशन इलेक्ट्रिसिटी के बहुरान से तीस लाख लूम्स जो थी वो बंद हो गई yes, मतलब yes, लाख कपड़ा बनाने का मतलब टोटल इंडस्ट्री वेरी बिग फिगर अब इस तरह के हालात जब होंगे तो बच्चा कहेगा पढ़ लो जिस चीज में पढ़ना है पढ़ लो डिग्री ले लो कि हम यहाँ पर काबिल बनने के लिए तो पढ़ते नहीं है हमारे है। तो अम्मी कहती तुम्हें आगे बढ़ना है तुम्हें फर्स्ट आना है अब ये नहीं कि तुम्हें काबिल बनना है क्योंकि फलाना आपा का बेटा जो है वो ए वन ग्रेड आया है तो तुम्हारे भी ए वन ग्रेड आना चाहिए वरना मेरी नाक कट जाएगी हमें नाक कट जाएगी उस बच्चे की कैपेसिटी किसी और चीज में वो ए वन ग्रेड किसी और चीज में आएगा लेकिन अम्मी कहती कि नहीं तुम्हें यही सब्जेक्ट लेना है इसी सब्जेक्ट में तुम्हें ए वन उसको गाइड नहीं कर रहा है कोई भी कि वो ए वन ग्रेड आएगा कैसे और उस ए वन ग्रेड के लिए उसके कितनी करनी पड़ेगी, क्या उसका खेलो, चार घंटे तुम सो लो, तो में तुम जिसका वन ग्रेड आया है उसके घर के हालात कैसे उनके पास रिसोर्स ऑफ इनकम क्या है उनके रिसोर्सेस क्या है उस बच्चे को कितनी फैसिलिटी घर में है इस बच्चे को कितनी फैसिलिटी घर पे है वो एक भाई है ये चार भाई है तीन बहन है अब्बा बेचारे

जब मैं उससे इंटरव्यू लूँगा तो मैं तो उसकी डिग्रियां बाद में देखूंगा ना पहले तो मैं उसकी एबिलिटी उसकी सलाहियत देखूंगा क्या ये मेरे सौ दो सौ बच्चों को जब मैं क्लास उसको दूंगा क्या इसको पकड़ लेंगे रैप कर लेंगे उसको क्या उनकी ये साइकोलॉजी जानते हैं क्या ये उस दौर से गुजर के क्या उनको इन बच्चों की मैंटेलिटी का मालूम है जब मैं फील करूंगा कि ये तो नकल करके तो कर स्टडी को तो स्पेशल देनी चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं कि भाई क्या चीज़ है जो इसे एनॉय कर रही है क्या चीज़ इसे तंग कर रही है क्या गलत फील्ड में है या घर से कोई प्रॉब्लम है क्योंकि अभी रिसेंटली आपके सामने जो मुरीद अब्बास कतल केस सामने आया तो उसमें जो जो कतल था उसकी जब हम बैक लाइफ स्टोरी जो बयान सामने आई वो यही था कि भाई फादर ने सेकेंड मैरिज कर ली और मैं इंटर में फेल हो गया था तो मैं बड़ा डिप्रेस था फिर मैंने घर छोड़ दिया तो ये चीज़ें में हम बड़ा लाइट ले रहे होते हैं ये लेकिन माशरे के एक फ्यूचर टेररिस्ट बना रही हैं आपके बच्चे को अल्लाह ना करे ऐसा हो अल्लाह ना करे कि कभी भी आपका बच्चा कोई गलत काम में पड़े लेकिन इन सारी चीज़ों को देखा करें क्योंकि अन, आ, इन द एंड जब बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा ना तो वो कोई ना कोई गलत स्टेप ले लेगा अपने ऊपर जुल्म करेगा या किसी और के साथ जुल्म करेगा तो अपने बच्चों को लाजमी देखें कि वो किस

तो आई um, रिम्बर जब मैंने अपनी फर्स्ट पोएम um, मेरी छपी थी यंग वर्ल्ड आप लोगों को इट्स स्टिल इन डॉन ठीक है hmm. तो उस वक्त यंग वर्ल्ड बहुत फेमस था hmm. तो उसमें मैं अम्मी अबू के पास लेके आई मेरी मेरी पोएम मेरी पोएम छपी है तो अम्मी अबू वर नॉट वेरी एक्साइटेड एज मच एज आई वॉज दे मे बी हैप्पी बट दे वर नॉट एज एक्साइटेड एज आई वॉज ठीक है तो hmm. so, उस वक्त मुझे ये अंदाजा हुआ कि यार लिटरेचर तो अम्मा-अब्बा yeah. कभी भी पढ़ने नहीं देंगे दे आर नॉट हैप्पी विद इट दे आर नॉट गोइंग टू यू नो लेट मी एक्सप्लोर दैट एंड और एक बच्चे के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि मैं ऐसा <coughs> क्या करूं कि मेरे अम्मा खुश हो जाएं हाँ, किस तरीके तो, से अपील करूं मैं अपने अम्मा-अब्बा एक बच्चा आता है मम्मी मैंने सेंचुरी बनाई है कह रहा पढ़ाई भी अच्छी कर लो

बहुत सारे लोग जो कि इस टाइम आपको रिमोट एरियाज में जो देख रहे हैं वो क्या करेंगे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और जिस तरह से बता रही हैं कि अब वो उन वाले को भी जो है वो दे आर नॉट एज एजुकेटेड अब इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें हम पेरेंट्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं yes, okay. सर It's और आप यकीन करें कि आज तक एक्सपीरियंस के अंदर कभी किसी स्टूडेंट को थेरेपी की जरूरत नहीं थी

सेस करें और ये देखें कि उनकी पेरेंटिंग स्किल्स अब चेंज हो रहा है जमाना दे नीड टू एडजस्ट टू दैट

कोई बच्चा आया है जो टेस्टिंग के अंदर मेरे पास लग रहा है कि ये बच्चे के अंदर बहुत अच्छे जो अच्छा अच्छा है वो स्पोर्ट्स अच्छा ये आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय बैचलर्स तो शाह साहब कितनी सारी बच्चियां छोड़ के चली गई

क्या करना चाहिए देखें वोकेशनल ट्रेनिंग्स मौजूद हैं उनके लिए उनके पास ऐसे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं जो रिमोट एरियाज़ के अंदर लोग वो बहुत ही विजन के साथ बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं आई गो आउट टू इंटीरियर इन एंड ट्रेन चिल्ड्रेन में देता हूँ अपनी सर्विस मुख्तलि जगहों के गुजू जाता हूँ लड़काना जाता हूँ और इंटीरियर के अंदर जगहों पर जाता हूँ एंड रिली

अगर कोई गोल दिया जाए ना तो आप उस गोल को ऐसा अचीव करें बड़ी मेहनत के साथ वहां पहुंचे मैं एक मिसाल दूंगा मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा गया माउंट एवरेस्ट चले जाए आप तो जब आप उस पर सफर करेंगे ना वो तकलीफे जो उठाएंगे उसका मजा ही कुछ और है और जब आप वहां पर खड़े का झंडा लगाएंगे ना तो आपने कहा कि मैंने दुनिया का बहुत बड़ा काम कर लिया अब वही माउंट एवरेस्ट में आपको ऐसे करा कर तो आपको हेलीकॉप्टर से ले जाऊं और आपको वहां छोड़ दूं तो आप कहेंगे मैं मज़ा तो, तो मजा ही नहीं आएगा तो तकलीफ में मजा है तो तकलीफों को हासिल करके, करके आप जब मेहनत से कोई चीज हासिल करते हो उसकी कदर आपको बहुत ज्यादा होती है जो बच्चा मेहनत से गाड़ी खरीदता है उसको सी कदर होती है जिस बच्चे को बाप गाड़ी खरीद कर देता है उसको कदर बिल्कुल बिल्कुल सर एक छोटा सा बिल्कुल स्मॉल सा मैसेज मैं ये मैसेज दूंगा अपने तमाम यूथ को अपने बच्चों को जिस टाइम के स्ट्रगल कर रहे हैं कि बेटा ऐसा हरगिज नहीं है कि आप यह समझते हैं कि आपको कोई समझने वाला नहीं है इट अ मैटर ऑफ टाइम ना अपने वाले डाउट कीजिए ना hmm. रिलेटिव के को डाउट कीजिए दे आर हंड्रेड परसेंट लॉयल हैं आपके साथ में hmm. लेकिन यू हैव अदर ऑप्शन अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो अप्रोच योर टीचर्स विद अप्रोच योर सीनियर्स और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है आपने hmm.

कमाने के चक्कर में हम वो छोटी भी चीज़ छोड़ देते हैं कि जी हम अच्छा नहीं यार ये मेरे मतलब की जॉब नहीं क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिसन था बिल्कुल सीधा क्योंकि टाइम शॉर्ट रह गया तो मैं आपके मैसेज को कंक्लूड कर देती हूँ कि भाई छोटी हम पैसों के चक्कर में हम जो है गलत फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई वो सी ए बन के इतना कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे ऐसा ना करें अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए जो है अपनी फील्ड को सिलेक्ट करें यहाँ पे क्योंकि शो का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है टाइम का पता नहीं चलता किस तरीके से दो घंटे गुजर जाते हैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया आने के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए यहां आपसे लेते हैं इजाजत कल आपसे एक नए टॉपिक एक नए शो के साथ मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए पसंद करते रहिए जी उठा पाकिस्तान अल्लाह हाफिज